ਮੇਰਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵਰਦੀ ਉਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੂ ਕੋਲੇ ਵਰਦੀ ਉਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੂ ਕੋਲੇ ਵਰਦੀ ਉਠਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਰਦੀ ਜੀ ਦਾਓਗੇ कल दोपहर तक सिर्फ इंतजार करांगे जो 24 घंटे का टाइम दिता जे कल तक इंसाफ ना मिले कल शाम नूं पंजाब पुलिस का पुतला हाल गेट विखे जां किसी होर स्थान पर फूकिया जाएगा की इन्हों शोभा दिता यह अधिकारियों आए दिन ही पत्रकारों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी अमृतसर में पिछले कुछ दिन पहले ही नामी अखबार के पत्रकार पर उसके घर पर आकर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। अभी वह मामला शांति नहीं हुआ था कि अमृतसर कोट खालसा पुलिस स्टेशन के SHO की ओर से एक पत्रकार के साथ सरेआम मारपिटाई की गई और उसका कैमरा तक तोड़ दिया गया, जो कि सारा मामला पत्रकार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बातचीत करते हुए पीड़ित पत्रकार ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपनी एक खबर के सिलसिले में पुलिस स्टेशन कोट खालसा गया था। यहां पर SHO के बगल में खड़े एक लड़के के बारे में पत्रकार ने पूछा कि यह कौन है, तो SHO ने बताया कि यह मेरा गनमैन है। तभी पत्रकार ने सवाल किया कि अगर आपका गनमैन है तो यह वर्दी में क्यों नहीं। इतनी ही देर में SHO के बगल में बैठे पुलिस कर्मचारियों ने पत्रकार पर हमला बोल दिया और उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसी के साथ हाथापाई भी की और उसका कैमरा भी तोड़ दिया। फुल की जो दो अधिकारी मौजूद हैं अपना पुलिस के, जिन्होंने मैं पूछा कि तुम इतने ड्यूटी पर मौजूद हो, तुम्हारे सामने सारा काम हो रहा, इस बारे की कहना है? वो कैमरे तो नजरा चलाते हुए भज गए, कहते जी थाने आ जाओ थाने आ जाओ थाने में चला गया। साडा काम है धिर नहीं बनते, ठीक है जी। और सारी दोनों पार्टियां बैठी सी, पार्टियां जो एक बंद ने कहा जी फलाना गोपी नाँ का बंदा जरा आया सू बहुत तंग परेशान करता, ठीक है जी। मैं SHO साहब को इन्ना ही कहा कि SHO साहब यह बंदा कौन है? उन्होंने मैंने कहा जी मेरा गनमैन है। मैं कहा जी गनमैन है तो फिर गनमैन साहब की वर्दी कितने? इन्नी गल है, बाकी सारे वीडियो देख चुके हैं कि उन्होंने मैंने लै गए है, मेरे मार पिटाई भी की, मैंने गंदियां गाला भी कटिया मावा भैन दी, और मैंने हवाला ची भी दस कैमरे की कार्ड फोन की कार्ड मैं बड़े तरीके का कार्ड अपना सेव कर लिया जो सारी रिकॉर्डिंग चीज कर सारी वीडियो वायरल हो चुकी है। कोई गाल बंदा भी कटिया बिल्कुल जो साफ नजर आ रही है वीडियो जी मैंने मावा भैन जो अंदर ले जाया गया थाने के जो बाकी पब्लिक को बाहर कट दिता गया जी तो मतलब एक आप कह सकते हो भी तुम्हें कोई मतलब हाथ दिखो मेरे लगे मेरे इतने पेट से भी मेरा लगियां निशान पे ने ते बड़ा यानी कि उधर इन्हें जरा मेरा व्यवहार किया तो उत्तर सोचने वाली गल है कि जे साडे पत्रकारों का यह हाल है तो आम जनता का ये लोग गुंडे पुलिस वाले गुंडे कहोंगे इन्होंने कि करते हो जे तुम इंसाफ नहीं मिलता तो फिर मैं सड़क से उतनी मंजूर होगा पूरी एसोसीएशन मेरे नाल है पूरे पंजाब दी जथेबंदियां नाल है क्योंकि मैं हर किसी नाल खलोंदा रशीद भगत सिंह साडी जिहड़ी है हर पत्रकार नाल खलोंदी है इस करके मैं किसी नूं बुलाया नहीं सारे अपने आप आंदे पे आ सारियां जथेबंदियां हिंदू जथेबंदियां जो भी है वो भी मेरे नाल खड़ियां ने सारियां समर्थन मैं मिलता पाया अगर इन्हां ते कार्रवाई नहीं हुई तो असी जिहड़ा है संघर्ष करन मजबूर होवांगे और इस बार कोई समझौता नहीं होएगा। मंग है कि ये सारे जिन्ने भी ये तीनों चारों सस्पेंड होने चाहिए। जिसके बाद अब शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन की ओर से इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन की ओर से पुलिस को एक मांग पत्र भी दिया गया जो कि पुलिस कमिश्नर को दिया गया जिसमें लिखा है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले की सुनवाई की जाए, नहीं तो वे अपना संघर्ष तेज करने के लिए मजबूर होंगे। ये मामला इस तरह है जी कि जिस तरह अं आए दिन देखते हैं ना कि जोड़े शराब के ठेकेदार के करिंदे ने कभी किसी के जबरी घर च वड़ जाते हैं कभी विहवां दे विच जा के लोगों को बेइज्जत करते हैं नकली शराब पी ओ गैर मंजूरशुदा शराब तो या कभी किसी दी दुकानों पर जा वड़ते हैं ज़्यादातर इन मामलों के ना इन्हों पुलिस की शह नाल हुंदी है जी पुलिस है वह नाल मिली हुई हुंदी है। कल यहोजा ही एक मामला थी भी जिहदी खबर साढ़े पत्रकार जिहड़े रजनीश कौशल उन्होंने मिली है कि कोट खालसा इलाके इस तरह शराब के ठेकेदार के करिंदे जिहड़े किसी
ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ SHO ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬੰਗ ਬੜਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਬੰਗ ਇਹਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗਨਮੈਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਤੇ SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੀ SHO ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ADCP 1 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਜੋ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਾਲ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। वही अमृतसर पुलिस कमिश्नर की ओर से मांग पत्र लेकर इस मामले को SPD 1 के पास भेज दिया गया। तो SPD 1 से बात की गई तो उन्होंने कहा ये मामला उनके ध्यान में है, वह जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे और उन्होंने इस केस में कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे तक का समय मांगा है। ये मेरे को आए ने सारे इकट्ठे होकर वापस इन्होंने सुनी है ते वो वेरीफाई करते हैं जो भी वेरीफाई मुताबिक जो भी बनती है। सर इन्हें जिक्र की इन्हों ने शोभा दिता यह अधिकारियों ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਨੀ ਮਹਿਰਾ, GV ਪੰਜਾਬ TV।